हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा जेटली। इससे पहले भी मैं दो क्यूट सी सिस्टर का हेयर कट कर चुकी हूँ और आज भी मैं दो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर का हेयर कट करूंगी। किसकी कैसी कटिंग होएगी? ये मेरी दो छोटी छोटी सी क्यूट सी बच्चियाँ ये हैं, इन दोनों की हेयर कट होगा। तुम्हारा भी होगा? हाँ, इसकी से और आपका भी होगा। सेटिंग करानी सामने। सेटिंग होगी तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पलते हो आप? अभी पलते नहीं हो? अभी पढ़ती नहीं है। अभी नहीं पलते हो? अभी 2 इयर्स की है। अच्छा, अभी तो छोटी सी है ना। तो पहला हेयर कट मैं छोटी वाली का करूंगी, ये क्यूट सी डॉल का। तो कैप पहना दी है और इनकी सेटिंग होगी, मतलब आप जैसे देख सकते हो बाल काफ़ी छोटे भी हैं, तो इन्हीं में करूंगी। और इससे पहले आपने देखा होगा दो छोटी सिस्टर, मतलब छोटी बच्चियों का एक साथ, उनका भी वीडियो मैंने अपलोड किया था जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और आज भी, तो इसका भी मैं करती हूँ। लेकिन ये रो नहीं रही है, आराम से हेयर कट कराया था, लेकिन बहुत संभाल के हेयर कट करेंगे। और मैं ज़मीन में बैठ के इनका हेयर कट कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो। तो फ्लोर पे बैठ के कर रही हो और डॉल को मैंने चेयर पे बैठाया है और देख सकते हो इतनी क्यूट सी प्यारी सी और बहुत आराम से हेयर कट करा रही। लेकिन बहुत संभाल के हेयर कट करना होता है बच्चों का। और इसी तरह से सिर्फ राउंड शेप दे दूंगी, कान के ऊपर से कटिंग करनी है जैसे कि, और पीछे से इसी तरह से कान के नीचे से थोड़ा सा इस तरह से राउंड में करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं कि बिल्कुल ऊपर ऊपर कर दें, कि राउंड में बिल्कुल जैसे यहाँ से पीछे से कान आगे से कान से ऊपर का कट किया है तो पीछे भी लिया है तो फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे राउंड में करके कान के पास से। और आप तो बच्चों के बाल हल्के भी थोड़ा सा होते हैं तो आराम से कट जाते हैं, और नेक पे क्लीन कर देंगे बाद में। और आप इस तरह से देखो कि ये कटिंग, और इतना प्यार से इन्होंने हेयर कट कराया है। और इससे बड़ी वाली सिस्टर का भी मैं अभी कट करूंगी, वो आप देखिएगा, वो भी उसने भी बहुत आराम से हेयर कट करा लिया था। और इस तरह से राउंड में घुमा घुमा करके, और बच्चे का एक हाथ से फेस पकड़ लेंगे और एक हाथ से ऐसे कर करके करेंगे कि आराम से, कि बच्चों को लगे भी ना और कहीं कैची तो बिल्कुल छू भी ना जाए उनके कान वगैरह में। तो आपको तो तकलीफ़ होगी, उनको कितनी तकलीफ़ होगी और आपको कितनी तकलीफ़ होगी। थोड़ा थोड़ा सा कटा है। आराम आराम से बिल्कुल हेयर कट करेंगे कान पकड़ के, जैसे मैंने मोड़ दिया था हल्का सा कान, फिर कान के पीछे का हेयर कट किया ये देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से मोड़ के पीछे का हेयर कट करो और फिर इधर शेप दे देंगे। और मैं फ्री ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स भी कराती हूँ, मंडे को आती हूँ 3 बजे सीमा जेटली चैनल पर और आलोक जेटली चैनल पर शनिवार को 3 बजे, तो वो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और मेरे सारे वीडियो कुछ ना कुछ सिखाने ही वाले होते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सीखिए अगर आप कोर्स कर रहे हैं। और कोर्स करने के साथ ही साथ अगर आप मेरे से सीख रहे हो तो आप मेरे को वीडियो, जितने भी आप दिन भर में वीडियो देखते हो तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिए। जिसके ज़्यादा स्क्रीनशॉट होते हैं उनका नाम मैं बोलती हूँ मंडे और सैटरडे दोनों दिन, क्योंकि भाई आप लोग सीख रहे हो तो आपका नाम तो बोलना पड़ता है ना, तो मैं नाम बोलती हूँ और उनका जो है नाम पूछती भी हूँ तभी बोलती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट भेजिए। और इस तरह से ये राउंड कट कर दिया है मैंने, तो ये इस तरह से कटिंग करने से ना बच्चे का फेस भी अच्छा सा लगेगा और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लगेगा, कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। और ये देखो क्यूट सी इन्होंने हेयर कट हो गया है। अब आगे का भी इनसे कहेंगे आँख बंद कर लो, तो बहुत प्यार से आँख बंद करके हेयर कट कराया था। और पिछली बार जो मैंने दोनों सिस्टर का किया था बहुत ज़्यादा रोए थे, आपने देखा होगा वीडियो में, हेयर कट कराना मुश्किल कर दिया था। तो कुछ बच्चे बहुत आराम से कराते हैं, मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ये तो बहुत ही प्यारी, मेरे को इतनी प्यारी प्यारी बच्ची मिली ये। और फिर मैंने कॉटन थोड़ी लेके सब इसका जो है पोछा फेस से बहुत प्यार से, और ये सब पोछ के फिर मैंने हटा दिया जो भी बाल आगे गिरे थे। और ब्रश वगैरह से आप ना पोछिएगा, थोड़ी सी कॉटन लेकर ही बालों को झाड़िएगा जो आगे गिर जाए। उसके बाद आप एक बार फिर से चेक कर लो। और उसके बाद मैं अब सेकेंड गर्ल्स का करूँगी, इनकी सिस्टर का। <अटेंगे चीज़? laughs>
मेरे को बच्चे बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बच्चों का काम करना, बच्चों को प्यार करना, और बच्चे मेरे को सबसे ज़्यादा बच्चे प्यारे लगते हैं। और ये कितनी क्यूट सी है अभी ना। अब हम इनकी बड़ी सिस्टर का करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक तो करना पड़ चाहिए ना, क्योंकि कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सीमा जेटली के नाम से, और सेकेंड चैनल आलोक जेटली के नाम से। और इसके बाद मैं अब इनका करूँगी, और इनका भी मैं राउंड शेप में ही करूँगी। तो आपको जो लेंथ लेनी है आप उस लेंथ को पहले ले लो कि हमें इस लेंथ से हेयर कट करना है, और उसके साथ आप उसको मिलाते हुए राउंड 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 हेयर कट कर दो। बहुत इजी वे में हो जाएगा। और जैसे आप ना छोटी छोटी पतली पतली लेयर लो, छोटी नहीं सॉरी पतली पतली लेयर लेके इस तरह कॉम में फंसा कर राउंड में आप कटिंग कर दो। बहुत ही इजी वे में आपका कट हो जाएगा। तो मैंने कट दोनों सिस्टर का एक साथ किया था, तो एक ही वीडियो में मैंने एक ही मतलब दोनों एक ही वीडियो में दोनों का हेयर कट डाल दिया, और कटिंग भी सेम ही थी। तो मैंने सोचा दो वीडियो बेकार में मैं बनाऊँ, एक ही वीडियो के साथ आपको दिखा भी देती हूँ। तो उनका भी राउंड में गया था, इसका भी मैं राउंड में ही कर रही हूँ। तो ये आप ब्लेंड कट भी कह सकते हो और राउंड कट भी कह सकते हो। तो बस जो आप एक आगे की लेयर हमने कट करी उसी से मिलाते हुए हम इस तरह से बैक तक लेते चले जाएंगे, राउंड में करते चले जाएंगे। तो आपका कट जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको करना, और लेयर को बहुत जैसे जो बाल पकड़ के मैंने किया है बहुत पतला पतला ले लो, बहुत चौड़े में आप सीजर नहीं चलाओ, मतलब बहुत सारे बाल लेकर कटिंग ना करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी कैची है सीजर है वो भी फिसलने लगती है और कटिंग अच्छे से नहीं होती है। थोड़े थोड़े बाल लो और इस तरह से हाथ में पकड़ के खींच के थोड़ा सा खींचो, क्योंकि बाल अंदर से मुड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें, और इस तरह से कटिंग करते चले जाएं। अब ये पूरा राउंड वाला तो कटिंग हो गया, ठीक है ना। अब ये कटिंग हो गया, अब क्या करना है, अगर आपको आगे से छोटा करना है या आपको कोई पीछे से और शेप देनी है तो अब हम करेंगे। तो इनका थोड़ा सा आगे का फ्रंट का शॉर्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल तिरछा कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो गाल को बचाते हुए आराम से पकड़ पकड़ करके करेंगे। टाइम लेके करिए बच्चों का कटिंग, बच्चे हो या बड़े, कटिंग तो एक बार अगर ख़राब हो गई ना तो वो संभाल नहीं सकती। अगर आपका मेकअप ख़राब हो गया तो आप उसको फिर से क्लीन करके कर सकते हो, बट कटिंग आप ख़राब हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको संभाल नहीं सकते। इसलिए कटिंग बहुत संभाल के, चाहे बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, बहुत संभाल के कटिंग करने की ज़रूरत होती है। और ये ना हो कि आप कटिंग करते 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 छोटा कर दो, तो पहले आप बड़े पे चलो फिर उसके बाद छोटा करो, छोटी तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एकदम से बालों को छोटा कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों को भी, कुछ बच्चों को होता है कि बस हमारा ट्रिम करा दो, मम्मी से अपनी कहते हैं ज़्यादा मेरे छोटे ना कराओ, फिर पता चला रोने लगते हैं। तो इसलिए आप मार्जिन ले कर चलो, इसी तरह से बड़ों का भी। तो आपने जैसे देखा पहले मैंने बड़े पे किया, फिर धीरे धीरे करके जब बच्ची ने कहा थोड़ा सा आंटी और शॉर्ट कर दो, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर और शॉर्ट कर दिया। तो अब इस तरह से राउंड लेकर मैंने किया है, अब आप देख सकते हो। और बहुत ही आपको एक जब लाइन मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपकी कटिंग आराम से हो जाएगी। और कटिंग करते समय कभी भी लोहे की सीजर का कम यूज़ करें, कैंची का, हो सके तो आप पीतल की ले लो, या इस तरह से जो आती है स्टेनलेस स्टील की, ये वाली काफ़ी अच्छी होती है, इनसे कटिंग भी बहुत अच्छी होती है और इनकी धार भी नहीं ख़राब होती है। तो आप ये वाली सीजर लेके कटिंग करो तो बेस्ट रहता है, मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और लोहे वाली तो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, जंग लग जाता है। तो या तो फिर आप लोहे की लो और उसमें आप ऑयल लगा कर रखो, कटिंग करने के बाद पोंछ लो पानी से या गीले कपड़े से, फिर उसमें ऑयल लगा दो, मस्टर्ड ऑयल, फिर वो आपकी कटिंग सीजर ख़राब नहीं होगी, फिर सारे बालों को झाड़ देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी। और मेरा ब्लॉग चैनल भी है आलोक जेटली नाम से, तो वो भी देखना ना भूलें, तो देखिएगा। और ये कटिंग हो गया है। दोनों की कटिंग हो गई है, दोनों का, और दोनों सिस्टर हैं क्यूट सी। और इनके पापा बाहर खड़े हैं, तो अब हम इनके पापा तक इनको पहुंचा रहे हैं, बाय करते रहे। ऐसे बाय करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, थैंक यू, लव यू, बाय।